इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी बिरयानी रेसिपी, बिकॉज काफी सारे लोग जो मेरे साथ टच में हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे किटी फ्रेंड्स हो गए, मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए, उन सबको बहुत ज्यादा पसंद है मेरे हाथों की बिरयानी, वेज बिरयानी। तो अगर आप भी वेज बिरयानी लवर हैं, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड इसको देखो, आ गया बीच में। सो ये वीडियो आज का तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें खाने का के भी नहीं आता। ओके, सो जस्ट गो। आता है क्या? आता है। ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बिकॉज ऐसी डिलीशियस बिरयानी आपने कहीं और नहीं खाई होगी, बिकॉज ये पाकी के किचन की बिरयानी है। सो चलिए शुरुआत करते हैं बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स। ये हैं सारे मसाले। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, बिकॉज ये कश्मीरी पाउडर है, ये ज्यादा तेज नहीं है। एंड दिस इज गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। ये जो खड़े मसाले हैं सारे होते हैं, प्याज लंबा कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड हरी मिर्ची, दूध, दही, टमाटर की प्यूरी जो घर में पीसी है, जो बाहर की है आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चलता है। एंड ये है क्वालिटी के फ्रोजन वेजेस, जो जिसमें गाजर, मटर एंड बीन्स हैं, बट आप ये फ्रेश वाले भी वेजिटेबल्स लेकर यूज कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो ये है बिरयानी मसाला, शान का स्पेशल बिरयानी मसाला, बॉम्बे बिरयानी। तो आपको शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला ही यूज करना है, इसी का मेन रोल है पूरी बिरयानी में। ये तो थे सारे इंग्रेडिएंट्स। राइस को मैंने बॉईल कर लिया, उसमें भी थोड़े से खड़े मसाले डालकर मैंने उसे पानी से बॉईल कर लिया है और आधा कच्चा छोड़ दिया है। और अब मैंने उसे छान कर फ्रिजर में रख दिया है थोड़ी देर, बिकॉज अगर आपके राइस बहुत 2 घंटे पहले बने हुए होते हैं तो उसकी बिरयानी अच्छी बनती है। तो इसलिए राइस को या तो 2 घंटे पहले बना दीजिएगा, और या तो अगर आप तुरंत बनाते हो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिजर में रख दीजिएगा, जैसा कि मैंने कर दिया है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिरयानी बनाना। सबसे पहले इसमें डालती हूँ मैं ऑयल, छोटी कटोरी होती है वो 1/2 कटोरी मैंने डाल दी है ऑयल की, बिकॉज अगर ऑयल अच्छा होगा तो ही बिरयानी अच्छी बनेगी ज्यादा ऑयल में। और अब मैं डालती हूँ इसमें जीरा, सारे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने यूज किया था तेज पत्ता, काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची, लौंग और बड़ी इलायची और छोटी इलायची। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ओनियन। अभी हमें ओनियन को थोड़ी देर तक पिंक करना है, जब तक वो पिंक हो जाए तब तक हमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है। तो प्याज पिंक हो गया है, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। आप चाहो तो मार्केट का रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो, और ये जो 4 चिली मैंने उठाई थी ये भी डाल देती हूँ। बहुत सारे लोग बिरयानी में आलू पसंद करते हैं, मानशु और लक्ष को वेज बिरयानी में आलू बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आलू यूज करती हूँ बिरयानी में। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो तो आप नहीं डालो। मैं आलू को जस्ट मैंने कट किया है और अब मैं इसमें डालकर थोड़ी देर आलू को फ्राई करूंगी, ताकि आलू गल जाए इसमें अच्छे से। और अब मैं इसे थोड़ी देर सिम पे रख के ढक्कन लगा के रख दूंगी, बट थोड़ा सा नमक डालूंगी, बिकॉज नमक आलू को जल्दी गला देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालकर इसे बंद कर दूंगी। सो मेरे आलू गल चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजेस, थोड़ी देर इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो ये है मेरे कलरफुल राइस जिसे मैंने कलर किया है, क्योंकि बिरयानी में अगर राइस कलरफुल ना हो, 3 कलर्स के ना हो, तो मजा नहीं आता। तो मैंने इनमें फूड कलर यूज किया है जो मैंने इंडिया से लिया है, जो ये रहे आप देख सकते हो, बट आप यहाँ यूएई में भी मिलते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। मुझे यूएई के पसंद नहीं आते इसलिए मैं इंडिया के ही लेकर यूज करती हूँ। सो आप वो कलर्स यूज कर सकते हो। जस्ट सिंपली राइस को अलग अलग प्लेट में निकालना है, थोड़े से कलर्स डाल के उनको मिक्स करना है, दैट्स इट। सो ये मेरे 3 कलर्स राइस भी रेडी है। मेरी वेजेस भी फ्राई हो चुकी है ऑलमोस्ट।
आलू को बहुत ज्यादा मत गलाइएगा, क्योंकि जब आलू ज्यादा गल जाएगा तो वेजेस के साथ वो और ज्यादा गल जाएगा, इसलिए मैंने आलू को थोड़ा कम गलाया था। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले। गरम मसाला हमें लास्ट में डालना है, नमक थोड़ा सा ही डालना है बिकॉज हम राइस में भी ऑलरेडी बॉईल करते टाइम नमक डाल चुके हैं, तो नमक अपनी वेजेस के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो अब बारी है, मसाले सारे भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ शान का बिरयानी मसाला। और ये आपको हाफ पैकेट मैं यूज कर लेती हूँ एक बार की बिरयानी में, जब मैं तीन लोगों की बिरयानी बनाती हूँ तो मैं हाफ पैकेट यूज करती हूँ। ये मैंने अंदाज से हाफ पैकेट डाल दिया और अब मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाले को भूनूंगी। और अब इसमें डालेंगे दही। गैस को कर देंगे थोड़ा सा धीरे। So, ये सब जस्ट 5 मिनट का प्रोसीजर है, जब से आपने वेजेस डाली उसके बाद 5-5 मिनट के बाद आपको ये सब प्रोसीजर करते जाना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 4 छोटे छोटे टमाटर थे जिनको पीसा था, और थोड़ी सी मैं और डालूंगी इसमें मार्केट की फ्रोजन प्यूरी, बिकॉज मुझे ये प्यूरी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कि ये प्यूरी पूरी ऑयल पे आ चुकी है और मेरे आलू भी पूरे गल चुके हैं जो बिरयानी के आलू हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हो दूध में। दूध मैंने हाफ कटोरी ली है जो, वो डाल दी। अब हमें इस दूध को थोड़ा सा सुखाना है फुल पे। बिरयानी में जो सब्जी होती है नीचे वो सारी रेडी हो चुकी है। सो अब टर्न आ गया है राइस डालने का इसके ऊपर। सो अब हम इसके ऊपर सारे राइस डालेंगे जो मैंने कलर्ड किए हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़े से व्हाइट राइस, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सारे कलर्ड राइस एक ही साइड पे। देख सकते हो कितना कलरफुल हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी बचे हुए व्हाइट राइस। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ही गरम मसाला डालना होता है। और हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा वापस से बिरयानी मसाला। और अब हम इसे लगा देंगे ढक्कन और सिम पे रखेंगे पूरे 5 मिनट के लिए। हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी और मैंने कर दिया गैस को बंद। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, हम करेंगे सर्व। गरम गरम बिरयानी ठंडे ठंडे रायते के साथ रेडी है। तो कैसा लगा आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज इसे ट्राई करिएगा। रियली लव यू। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आप सबको ये बिरयानी एक बार बनानी चाहिए अपने घरों पे और आप खुद देखोगे। सो कमेंट में अगर आप बनाते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर मुझे रिप्लाई जरूर करना कि कैसी बनी आप लोगों की बिरयानी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।